मैं अपने आप को वीट्यूबर्स का एक कैजुअल फैन मानता हूँ, स्पेशली इंडी वाले जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं होते। कभी कभी मैं उन्हें कुछ डॉलर्स भी डोनेट कर देता हूँ अगर मेरी सैलरी अलाउ करती है तो। कभी कभी अपकमिंग टैलेंट का दिन बना के अच्छा लगता है, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मैंने बहुत सारे वीट्यूबर्स को उठते देखा है कैजुअल व्यूअर की तरह, पर उनमें से एक है जिससे मैं कभी नहीं भुला सकता। मैंने उसे संडे नाइट को ढूंढा जब मैं विकी पेजेस ब्राउज कर रहा था उन वीट्यूबर्स को जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा, और फिर मेरी नजर उस पर पड़ी। विकी ने उस इंग्लिश स्पीकिंग वीट्यूबर के नाम से लिस्ट किया था मैडम बिरियम। वो एक एनीम कैरेक्टर थी जिसकी नीली आंखें थी और लटके हुए भूरे बाल थे। उसमें जो बात अलग थी वो उसकी ड्रेस थी। उसने एक फॉर्च्यून टेलर वाले कपड़े पहने थे, एक मिडीवल ब्लाउज जिसमें उसकी क्लीवेज दिख रही थी, और एक पर्पल शॉल जो गोल्ड चेन से डेकोरेटेड थी, और गले में भी बहुत सारे गोल्ड चेन्स पहने हुए थे। ज्यादातर वीट्यूबर्स अपना कैरेक्टर किसी थीम के हिसाब से या पर्सनालिटी के हिसाब से बनाते हैं। खुश मिजाज कैट गर्ल, सिडक्टिव वैम्पायर, क्रूर टॉम बॉयज, और कोई भी नाम ले लो। मैंने पहले किसी भी वीट्यूबर को फॉर्च्यून टेलर के गेटअप में नहीं देखा, सो मैं तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो गया। मेरी रुचि उसकी तरफ बढ़ी जब मैंने देखा कि उसके सब काउंट कितने हैं। कुछ ही महीनों में वो वीट्यूब में 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गई थी। शायद ये ज्यादा ना लगे, पर प्रैक्टिकली एक छोटे वीट्यूबर के लिए इतनी जल्दी उठना कुछ नामुमकिन सा है। मैंने उसके वीट्यूब चैनल पे क्लिक किया और देखा उसका लाइव स्ट्रीम ऑन है। मैं तुरंत उसके व्यू काउंट को देख के हैरान हो गया। 50,000 से भी ज्यादा लोग उसे देख रहे थे। पॉपुलर वीट्यूबर्स जिनके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके भी बहुत कम सब्सक्राइबर्स लाइव स्ट्रीम देखते हैं। इस छोटे वीट्यूबर के लिए इतने ज्यादा लोग उससे देखने के लिए उसके हर एक सब्सक्राइबर को वहां मौजूद होना था। मैंने बहुत डेडिकेटेड वीट्यूबर फैंस देखे हैं, पर ऐसा कुछ होना बिल्कुल असंभव है। उस लाइव स्ट्रीम का कंटेंट भी कुछ खास नहीं था, वो बस एक नॉर्मल चैटिंग स्ट्रीम लग रही थी। हाँ, उसकी बातों का टॉपिक कुछ अजीब था। तो जैसे कि तुम सब लोग जानते हो कि आप लोगों की डोनेशन से मैंने अपने स्टॉकरोस को अपने नए क्रिस्टल से खोलने की कोशिश कर रही हूँ। इससे मुझे यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने में बहुत मदद मिली है। अब मैं और भी ज्यादा सही प्रेडिक्शंस दे सकती हूँ सिर्फ अपने फैंस के लिए। अजीब, मैंने सोचा, पर वो उसकी फॉर्च्यून टेलर कैरेक्टर के साथ सही बैठ रहा था, तो मुझे वो ज्यादा अटपटा नहीं लगा। तो मैंने वो लाइव स्ट्रीम एक स्क्रीन पे चालू रखी और बाकी की स्क्रीन पे दूसरा काम करने लगा। तो मैंने देखा किसी ने उसे चैट पे $200 डोनेट करे, और उसके साथ एक मैसेज था जो उसने उन सब लोगों के लिए जोर से पढ़ा जो स्ट्रीम देख रहे थे। Hey, मैडम मिरियम, पिछला स्ट्रीम मिस करने के लिए माफी चाहता हूँ, तो मैं आपको इस बार डबल अमाउंट दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी एडवाइस दे सकती हो ताकि मेरी क्रश मुझे पसंद करने लगे। उस कमेंट करने वाले का कोई नाम नहीं था, वही एक फालतू सा निकनेम जो लोग यूजुअली रखते हैं, और उसका जवाब देते हुए उसने उस इंसान का एक्चुअल नाम लिया। सुनो सेथ, उसने कहा, मुझे नहीं लगता सैली तुम्हें कभी लाइक कर पाएंगी क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। उस चैट में बहुत सारे रिएक्शंस और इमोजीज भर गए थे जो उसकी बातों पे हंस और रो रहे थे। मैं बस इसलिए चौंक गया कि उसे एक रैंडम व्यूअर का रियल नेम और उसकी लव लाइफ के बारे में इतना पता था। मैं जो कर रहा था उससे रोक के उसकी स्ट्रीम पे पूरी तरह ध्यान देने लगा। इसको ठीक करने का एक तरीका है, उसने आगे बोला। तुम उसके बॉयफ्रेंड को जानते हो? ये वही इंसान है जो तुम्हारे ही ऑफिस में कुछ क्यूबिकल्स छोड़ के बैठा है। उसका नाम क्रिस है, अगर तुम्हें नहीं पता हो। पर चिंता मत करो, अगर तुम उसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, तुम्हें बस कल सुबह ऑफिस शुरू होने से पहले अपने ऑफिस के वाटर कूलर से 3-4 ग्लास पानी पीना है। मैं कंफ्यूज हो गया था। मैंने उसे कुछ नॉर्मल बोलने को एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि समुद्र में बहुत मछलियां हैं या एसर्टिव रहो। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि उसके ऐसे रैंडम सा कुछ क्यों कहा। अगर ये कोई इनका मजाक था तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। पर वहां कंफ्यूजन दिखने की जगह चैट पूरी तरह उसकी तारीफ में भरती चली गई, और लोग सेथ को सैली और क्रिस को अलग करने के लिए गुड लक कहते चले गए। मैंने स्ट्रीम बंद कर दिया, ये सोचकर कि उसके फॉलोअर्स भी मैडम बिरियम की तरह पागल ही हैं। पर उसने जो कहा उससे मुझे अजीब सा लगा। मैं एक्चुअली एक क्रिस नाम के लड़के को जानता हूं जो सच में सैली नाम की लड़की को डेट कर रहा है। वो मेरे ऑफिस के कलीग्स हैं,
और जब कभी काम नहीं होता तो मैं उसके साथ कभी कभी वाटर कूलर के पास खड़े होकर बातें भी करता हूँ। उनकी रिलेशनशिप के बारे में एक वीट्यूब की एनिम औरत को सब पता होना कुछ अजीब सा था, फिर भी मैंने सोचा शायद ये कोई कोइंसिडेंस होगा और सोने चला गया। अगले दिन फिर मैं एक असमान दिन के लिए ऑफिस के लिए निकला। मैंने दूर से देखा कि ऑफिस की बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है। जब मैं बिल्डिंग के पास पहुंचा, मैंने वहां बहुत से फायर ट्रक्स देखे जो उसी फ्लोर की आग बुझा रहे थे जिस फ्लोर पे मैं काम करता हूं। फायर फाइटर्स लोगों को स्ट्रेचर्स से नीचे लेके आ रहे थे। मैं एक को तो पहचान भी पाया, वो क्रिस था या जो भी उसमें बचा था। वो बहुत बुरी तरह जल गया था, उसका आधा चेहरा जल चुका था और उसका बायां हाथ इस हालत में था कि मैं उसकी नीली नसें बाहर आती देख पा रहा था और उसकी हड्डियां भी निकली हुई थी। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं पर मुझे पता था कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं एक फायर फाइटर के पास गया और उनसे पूछा, यहां क्या हुआ? एक गंदा एक्सीडेंट, उसने बताया। ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, पर जिन्होंने देखा, जेनेटर वाटर कूलर को भर रहा था कि तभी वो फिसला और पानी के एक नंगी तार पर गिर गया, इसकी वजह से स्पार्क हुआ और फिर ये सब हुआ। मैंने जो सुना मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, ऐसी छोटी सी चीज से इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? ये सोचना ही बहुत अजीब था। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था जो मैंने एक दिन पहले देखा, जब तक मैंने सैली को नहीं देखा, क्रिस की गर्लफ्रेंड जो बिल्डिंग की सीढ़ियों पर रो रही थी। उसके कंधे पे एक साथ देने वाला हाथ था। वो एक लड़का था जिससे मैंने ऑफिस में कई बार देखा है पर कभी जानने की जरूरत नहीं समझी। सैली रोते रोते उससे बात कर रही थी और फिर सब कुछ समझ में आ गया। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, सैली ने कहा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो सेथ। मेरी छोटी बहन वीट्यूबर होती थी, उसका नाम सूजी था पर वीट्यूब पे सुजुकी। सूजी और मैं बहुत अलग थे। वह बहुत शांत लड़की थी जो ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और मुझे बाहर जाना और नए लोगों से मिलना बहुत पसंद था। फिर भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज थी, हमारी एक जैसी पसंद की वजह से। हम दोनों साथ में बैठ के एनिम देखती और वीडियो गेम्स खेलते। तो जब हम हाई स्कूल के बाद अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए और उसने मुझे बताया वो वीट्यूबर बनना चाहती थी, मैंने उसका पूरा साथ दिया। मुझे लगा ये सूजी के लिए लोगों के सामने खुलने का एक सुरक्षित तरीका होगा, उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा जो उसे वैसे भी अच्छा नहीं लगता था, और वो अपने बनाए हुए अवतार के थ्रू बात करेगी तो उसे ऑनलाइन अनजान लोगों को अपना चेहरा भी नहीं दिखाना पड़ेगा। हम दोनों को बचपन से ही ड्राइंग करने का बहुत शौक था, तो मैंने उसके वीट्यूबर वाले चेहरे को बनाने में उसकी मदद की और उसकी बैक स्टोरी और पर्सनैलिटी बनाने में भी। हम दोनों ने सुजुकी को बनाया, एक हाफ अमेरिकन लड़की जिसको जापान ट्रांसफर कर दिया गया, जिसको जापानीज बोली नहीं आती पर वो सीखने की बहुत कोशिश कर रही है। कभी कभी स्ट्रीमिंग पे सुजुकी सूजी की बिल्कुल ऑपोजिट होती। वो एक खुश मिजाज लाल बालों वाली एनिम लड़की थी जो अपने व्यूवर्स को हाउडी करके ग्रीट करती थी, हे दोस्तों, जबकि उससे पीछे जो थी वो एक शांत लड़की थी जिसने पूरी लाइफ हर किसी की कहानी में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह बिताई है। अपने आप को स्ट्रीम्स में और क्यूट साउंड करने के लिए हमने उसके कंप्यूटर पर एक लाइव वॉइस चेंजर भी डाउनलोड किया ताकि उसकी आवाज और ऊंची आए। मैंने तब रियलाइज किया जब हमने कैरेक्टर डिजाइन कर लिया था कि सुजुकी की शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी और मेरे जैसे ही पर्सनैलिटी भी थी। जब मैंने ये रियलाइज किया तो मुझे गिल्ट से चेस्ट में पेन हुआ। वैसे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला था, पर जब हम बड़े हो रहे थे तो मेरे पेरेंट्स उससे ज्यादा मेरा फेवर करते थे। अगर हम दोनों के इवेंट्स सेम दिन होते थे तो वो हमेशा मेरा इवेंट अटेंड करने को चूज करते और हमारे बर्थडेज पर मेरे गिफ्ट्स उससे थोड़े ज्यादा महंगे होते थे। जानबूझकर या पता नहीं कैसे वो अपने अवतार को मेरी तरह बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो बचपन की पसंद की वजह से। फिर भी मैं उसके वीट्यूब करियर को ऑफ स्ट्रीम सपोर्ट कर रही थी। मैं उसे हमेशा अकेला छोड़ देती थी जब मुझे पता होता वो अपने कमरे में स्ट्रीमिंग कर रही है, ताकि वो जो भी कर रही है मैं उसे इंटरप्ट ना करूं। ज्यादा से ज्यादा मैं बस उसके फोन पे एक टेक्स्ट भेज देती जैसे डिनर टेबल पे लग गया है, ताकि उसकी लाइव स्ट्रीम में मेरी आवाज ना आए। पर हमारे पड़ोसी में बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। हम एक कड़वी बूढ़ी औरत के साथ में रहते थे जिसका नाम लिस था। लिस कुछ 45 साल की थी, जिसकी पीली स्किन थी, झरझरे भूरे बाल और उसकी खोपड़ी जिसमें दूध भी खट्टा हो जाए।
सूजी के कमरे में साउंड प्रूफ पैडिंग लगाने के बाद भी वो मुझे कई बार हॉल में रोक लेती यही बताने के लिए कि सूजी के लाइव स्ट्रीम से बहुत आवाज आती है। मैं भी सुनने का नाटक करती। हमारे और किसी भी पड़ोसी ने कंप्लेंट नहीं की, जो मुझे पक्का पता था कि वो सूजी की सुजुकी वाली लाइव स्ट्रीम्स देखती हैं और बस हमें परेशान करने का बहाना ढूंढ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने से छोटे हर इंसान को नापसंद करती थी। एक दिन मुझे एक हफ्ते के लिए कंपनी की तरफ से बिजनेस ट्रिप पे जाना था। मुझे सूजी को अकेला छोड़ के जाने में चिंता हो रही थी, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था अगर मुझे अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहिए था। पक्का तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, मैंने ट्रिप पे जाने वाले दिन उससे पूछा। नहीं, मैं ठीक रहूंगी, सूजी ने जवाब दिया। मेरा वी ट्यूब करियर अच्छा चल रहा है, मैं अकेले खुश रहूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाती। ओके, फिर भी मैं ड्रॉअर में कुछ पैसे छोड़ के जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना मत भूलना, ठीक है? और हाँ, लिज वाली बीमारी से बात मत करना। तुम्हें मुझे दो बार बताने की जरूरत नहीं है, सूजी ने हंसते हुए कहा। हम दोनों गले मिले और मैं अपने कपड़ों से भरे बैग के साथ अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गई। मैंने अगला हफ्ता सस्ते होटल्स में उन लोगों के साथ शेयर किया जिन्हें मैं ठीक से जानती भी नहीं थी, और बिजनेस मीटिंग्स ने मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया था। वो लंबी और बोरिंग मीटिंग्स थी जिसकी वजह से मुझे अपना घर का बेड याद आ रहा था। मेरा दिन का हाईलाइट दिन खत्म होने के बाद वो होता था जब मैं सूजी को सुजुकी बनते लाइव स्ट्रीम करते देखती थी, उसे खुश और तेज आवाज में बोलने वाली अवतार को देख के। हे दोस्तों, हर स्ट्रीम के शुरू होने से पहले मेरे मुंह पर मुस्कान ले आती थी। मुझे पहली बार ऐसा लगा कि उसकी स्ट्रीम्स को रेगुलर देख के कैसा फील होता है, बस वो छुपी हुई है उसमें, पर अच्छा है। जिस दिन मैं घर जा रही थी, मैंने सोचा मैं सूजी के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से एक गिफ्ट पैक कर लूं। ये जानते हुए कि वो अपने वी ट्यूब करियर के लिए कितनी एक्साइटेड है, मैंने उसके स्ट्रीम्स के लिए एक नया माइक्रोफोन खरीदा। जब मैं अपार्टमेंट में घुसी, मैं सीधा उसके कमरे में उसे वो गिफ्ट देने गई। मैंने दरवाजा खोला और सोचा मेरी बहन वीडियो गेम्स खेल रही होगी या एनीम देख रही होगी, जो वो यूजुअली अपने फ्री टाइम में करती थी। पर मेरा खून ठंडा हो गया जब मैंने किसी को अपनी बहन की चेयर पर बैठे देखा। उसके बाल एकदम सुजुकी की तरह ही लाल थे और उसकी चोटी की तरह ही बंधे हुए थे। उसके चेहरे के मस्से गंदी तरह से मेकअप से ढके थे और उसके गालों से पसीना बह रहा था, और उसका चेहरा जो यूजुअली गुस्से से भरा होता है, वो एक बड़ी सी स्माइल दे रहा था जिसमें पीले टूटे दांत थे। वो लिज थी, मेरी पड़ोसन। मैं जोर से हांफी। जैसे ही उसे मेरी आवाज आई, लिज ने मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाया। वो मुझे अपनी खून भरी आंखों से घूर रही थी जिसमें एक अजीब सा पागलपन था। वो फिर जोर से एक अजीब डरावनी आवाज में चिल्लाई, हे दोस्तों। मैं अपने अपार्टमेंट से जितनी जल्दी हो सके भागी। एक पड़ोसी ने आवाज सुन के दरवाजा खोला देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। मैंने उसे कहा कि पुलिस को बुलाएं और उसके अपार्टमेंट में ही रुकी जब तक पुलिस नहीं आ गई। लिज किसी पागल स्कूल गर्ल की तरह हंस रही थी जब पुलिस उसे अपार्टमेंट के बाहर निकाल रही थी। अपार्टमेंट में ढंग से खोजने के बाद उन्हें सूजी बाथरूम के टब में बंधी हुई मिली। उसके माथे पर एक बड़ी चोट का निशान था जहां लिज ने उसे मारा था। जब तक वो मिली, उसका खून पूरी तरह से सूख चुका था। वो बहुत पतली और कुपोषित हो गई थी, फिर भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसको बाथरूम में बिना खाने के कम से कम एक हफ्ते से रखा गया होगा। पूरा हफ्ता लिज मेरी बहन बन के उसके वी ट्यूब पर लाइव जा रही थी। मुझे लगता था वो सिर्फ अपनी खोई हुई जवानी और अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही थी, पर इन सब में उसने सूजी के साथ बहुत गलत किया। सूजी अब कोमा में है। डॉक्टर्स कह तो रहे हैं कि वो एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तब तक मैं उसके वी ट्यूब चैनल को जिंदा रख रही हूँ सुजुकी बन के। मुझे उसके फैंस को झूठ बोल के बुरा लग रहा है, पर मैं नहीं चाहती कि सुजुकी कहीं गुम हो जाए। आखिर सूजी ने इतना हार्ड वर्क किया है उस पे। मैं अभी भी प्रे करती हूँ उस दिन के लिए जब मेरी बहन उठकर अपनी जगह वापस ले लेगी। मैं स्ट्रीमर बनना चाहती थी। मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद था और उन लोगों से बातें करना जो मेरे साथ कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते थे, तो मैंने सोचा वीडियो गेम स्ट्रीमर बनना मेरे लिए परफेक्ट होगा। मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है और उसके लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे अगर लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आया तो। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मैं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थी और मैं बहुत नर्वस थी इंटरनेट पे अपनी शक्ल दिखाने के लिए। ये मेरे लिए सोचना कुछ ज्यादा था कि मैं अच्छा कर पाऊंगी काम शुरू करने से पहले ही, पर मैंने ये कर दिखाया। जो मैं ऑनलाइन पोस्ट करती हूँ उसके लिए मैं रैंडम सड़कों पे लोगों की पहचान में नहीं आना चाहती थी, और इंटरनेट पे वैसे भी बहुत अजीब लोग होते हैं,
और मैं ठीक ठाक दिखती हूँ, सुपर मॉडल की तरह नहीं, पर मुझे मेरे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हिला हुआ इंसान ऑनलाइन मेरे पीछे पड़ जाए। मैंने ऑनलाइन स्टॉकिंग के बारे में बहुत गंदी कहानियां सुनी हैं जो स्ट्रीमर्स के रियल वर्ल्ड तक पहुंच गई थी। अगर मुझे स्ट्रीमर बनना है, मैं बीच में एक बैरियर बनाना चाहती थी जो मैं सच में हूं और जो मैं ऑनलाइन हूं उसके बीच। पहले मैंने सोचा कि मैं वो स्ट्रीमर बनूंगी जो स्ट्रीम में सिर्फ अपनी आवाज देगी, पर अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मुझे लगा सिर्फ मेरी आवाज से पूरी स्ट्रीम नहीं चल पाएगी। जब मैं हार मानने वाली थी, मेरा भाई जो मेरे घर में ही रहता था और यूनिवर्सिटी में एनिमेशन पढ़ रहा था, मेरे पास एक आइडिया लेके आया। उसने मुझे बताया उन स्ट्रीमर्स के बारे में जिन्हें वर्चुअल यूट्यूबर्स या वीट्यूबर्स कहते हैं और जो बहुत फेमस भी हुए हैं। रियल स्ट्रीम में अपनी शक्ल दिखाने के बजाय वो एक एनिम कैरेक्टर का अवतार दिखाते हैं जो उनके असल चेहरे से मैप्ड होता है। वो अवतार अपनी आंख झपकाते हैं और उसी टाइम बोलते हैं जब इंसान असल में बोलता है। मैं स्ट्रीम पे लोगों से बातें करना चाहती थी, पर अपने आप को सुरक्षित रखते हुए। मुझे भी अपने भाई की तरह एनिम पसंद था, तो ऑनलाइन एक एनिम लड़की बनना मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड एनिमेटर था। मेरे भाई ने मेरा वर्चुअल अवतार को बनाने और डिजाइन करने में मेरी हेल्प की। उसने मुझे थीम और मेरे कैरेक्टर की बैक स्टोरी डिजाइन करने में भी मदद की। जो कैरेक्टर हमने बनाया उसका नाम था मियाको नाइटशेड, सड़ियों पुरानी वैम्पायर जो एक टीनेज लड़की की तरह दिखती थी, जिसकी शांत और चुपचाप सी पर्सनैलिटी थी। हाँ, मैं उस बचकाने चेहरे के ऊपर नहीं उठ पाई। मेरे भाई ने डिजाइन किया और अवतार बनाया और मुझे सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाया। दूसरी तरफ मैं सोचने लगी कि मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस की क्या कैची लाइंस होंगी और अपनी डेब्यू के लिए गेम्स देखने लगी। जब वो बड़ा दिन आया जब मैं अपने आप को पहली बार डेब्यू कर रही थी, मेरा भाई वही मेरे साथ मेरे कमरे में मुझे चुपचाप सपोर्ट कर रहा था। मैंने स्ट्रीम करना शुरू किया और उसी समय अफसोस किया। मैंने अभी तक अपने कैरेक्टर का सिग्नेचर ग्रीटिंग में नहीं सोचा था, पर क्योंकि मेरी स्ट्रीम में एक भी व्यूअर नहीं था, मुझे थोड़ी राहत मिली। इतनी कि जो मैंने सबसे पहले चीज सोची, गुड इवनिंग, अभी जो टाइम हुआ है, और उससे मेरे यूट्यूब करियर का ग्रीटिंग डिसाइड हो चुका था। अगले कुछ महीनों तक बहुत अच्छे निकले। मैंने रेगुलरली स्ट्रीम किया और मेरा भाई मुझे रेगुलरली ऑफ स्क्रीन हेल्प करता था अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती तो। मैं अभी वो क्या कहते हैं सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हुई, पर मैं वहां पहुंच रही थी। मेरे सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे और मेरे चैनल के कुछ लोग मुझे रेगुलरली डोनेट करते थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं भी एक साल में बहुत कुछ अचीव कर लेती, अगर ये घटना नहीं घटती जिसकी वजह से मुझे स्ट्रीमिंग ही बंद करनी पड़ी। एक दिन एज यूजुअल मैं स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो एक ऑनलाइन गेम थी जो मैं कुछ लोगों के साथ खेल रही थी जो स्ट्रीम भी देख रहे थे। उनमें से एक नाम डोनी था जो मेरे स्ट्रीम्स रेगुलरली देखता और पिछले कुछ महीनों से रेगुलरली डोनेट भी करता। मैं उसकी स्पॉन्सरशिप को अप्रिशिएट करती थी, पर वो मुझे अजीब सी फीलिंग देता था। मैं स्ट्रीम में हमेशा उसके मैसेजेस पढ़ती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे डोनेट करता था, कम से कम $100 तो करता ही था। उसके मैसेजेस हार्मफुल और कभी कभी अजीब से होते थे, सबसे गंदे ऐसे होते थे, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, प्लीज मेरी रानी मुझसे शादी कर लो, हमारा प्यार तुम्हारी सुंदरता की तरह हमेशा बना रहेगा, मेरी बॉडी के खून की एक एक बूंद तुम्हारी है मेरी पीली मालकिन, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा अगर तुम चाहो तो, तुम मेरी सब कुछ हो, मेरा दिल तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है मिस नाइटशेड। डोनी या तो अपनी बिट को लेके बहुत डेडिकेटेड था या फिर दिमाग से हिला हुआ। मैं कन्विंस थी कि उसे लगता है मैं सच में कोई एनिम वैम्पायर लड़की हूं जिसने अपनी जिंदगी वीडियो गेम्स खेलने में निकाली है। मैं करेक्टर को बंद नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसके मैसेजेस पढ़ने के बाद ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो एक फैन था जो पैसे डोनेट करता था, जिसकी वजह से मैं स्ट्रीमिंग कर पाती थी, तो मुझे लगा कुछ फालतू मैसेजेस की वजह से उसे भगाना ठीक नहीं रहेगा, और वैसे भी बेगर्स कांट बी चूजर्स, है ना। उसके साथ मेरी गेम के बीच में मेरे भाई ने मुझे कमरे के बाहर से बुलाया। वो यूजुअली मेरी स्ट्रीम इस तरह डिस्टर्ब कभी नहीं करता, पर मैं उसे बताना भूल गई थी कि उस दिन मैं स्ट्रीमिंग कर रही थी और वो जानना चाहता था कि मैं डिनर में क्या खाना चाहती हूँ। मैंने चुपके से उसे फोन पे टेक्स्ट किया कि मैं स्ट्रीम कर रही हूँ और मुझे अकेला छोड़ दे। मैंने सोचा कि उससे काम चल जाएगा, पर मेरे माइक ने उसकी आवाज पकड़ ली थी और जितने लोग मेरा स्ट्रीम देख रहे थे उसे सुन चुके थे। चैट पे बहुत से मैसेजेस आने लग गए कि पीछे वो आदमी की आवाज किसकी है। पहले मैंने उन्हें इग्नोर किया क्योंकि मैं कैरेक्टर को तोड़ना नहीं चाहती थी और बताना नहीं चाहती थी कि वो मेरा भाई है। डोनी ने अपना आपा खो दिया। डोनी ने उसी वक्त गेम से डिस्कनेक्ट कर दिया और मेरे चैट बॉक्स में आ गया और बहुत ही अजीब से मैसेजेस भेजने लगा। सब मैसेजेस $100 की डोनेशन के साथ, ताकि मेरी अटेंशन पा सके। मेरी प्यारी नाइटशेड, कौन है वो,
मेरी रानी, क्या तुम ठीक हो? क्या ये आदमी जो तुम्हारे घर में है तुम्हें चोट पहुंचा सकता है? कुछ तो बोलो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा अगर तुम्हें उस गुंडे ने मारा तो। चिंता मत करो, मेरी नाइटशेड, मेरा खून तुम्हें बचाएगा। मुझे कुछ आइडिया नहीं है उसके कहने का क्या मतलब था, तो एक बार फिर मैंने उसे इग्नोर करने का डिसाइड किया। मेरे भाई की आवाज से जो हलचल मची थी वो बाद में बैठ गई जब स्ट्रीम चलती रही और डॉनी ने और कोई मैसेज नहीं भेजा पूरी स्ट्रीम में। जब सब कुछ खत्म हुआ तब मैं अपने भाई के साथ डिनर करने लगी। मैंने उसे डॉनी के बारे में बताया पर उसने मुझे आश्वासन दिया कि हम वीट्यूबर्स को इन सब से डील करते रहना पड़ता है और ऐसे दीवाने फैंस का होने का मतलब यह है कि मैं पॉपुलर हो रही हूँ। हम दोनों हंसने लगे और डॉनी के बारे में भूल गए। मेरा भाई जल्दी सोने चला गया और मैं सोफे पर बैठ के सोशल मीडिया पर अपने वीट्यूब कैरेक्टर के पोस्ट डालने लगी। मैं सोच ही रही थी कि अगले दिन की स्ट्रीम में मैं कौन सी गेम खेलूंगी कि तभी मेरा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं चौंक गई थी पर मैंने सोचा मेरे भाई ने कुछ ऑर्डर किया होगा तो उसकी नाइट डिलीवरी होगी। मैं आ रही हूँ, मैंने कहा। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जा रही थी मुझे दरवाजे के उस तरफ एक कर्कश आवाज से सुनाई थी। मेरी प्यारी नाइटशेड, उसने उत्साहित होते हुए कहा। मैंने ये आवाज अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी पर मुझे पता था कि ये कौन है। मुझे और कोई भी मेरी प्यारी नाइटशेड नहीं बुलाता था। डॉनी, मैंने कहा। इससे पहले मैं अपने आप को रोक पाती, मैं तुम्हें याद हूं, डॉनी ने खुश होते हुए दूसरी तरफ से कहा। मुझे पता था तुम भी मेरी तरह ही सोचती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस दरवाजे के सामने डर के मारे खड़ी रही और डॉनी दूसरी तरफ से अपना प्यार जताता रहा और अंदर आने की भीख मांग रहा था। उसको मेरा एड्रेस कैसे मिला? मैं बस इतना ही सोच पाई कि शायद इसने मेरा आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया होगा। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया डॉनी ने दरवाजा खटखटाने की बजाय पीटना शुरू कर दिया। ये वही बास्टर्ड है जिसने तुम्हें घर में बंद करके रखा है ना? वो गुस्से में चिल्लाया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सारी ताकत दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैंने अपना मुंह बंद रखा। मुझे पता है डॉनी थोड़ा अशांत था पर अब मुझे यकीन है कि ये सच में कोई पागल है। मैंने बस अपने अपार्टमेंट के दरवाजे के पीप होल में से झांका ताकि मैं पुलिस को बता पाऊं कि ये कैसे दिखता है जब मैं पुलिस रिपोर्ट लिखवाऊं। मैंने एक मैला कुचैला सा जवान आदमी देखा जिसके लंबे काले चिपके से बाल थे और एक बीमार सा पीला चेहरा जो मेसन से भरा हुआ था। उसके दांत पीले और टूटे हुए थे और एक खूनी सी हंसी थी उसके चेहरे पे। मेरा बदहवास खून तुम्हें आजाद कर देगा, पी लो इसे, इसे तुम्हें ताकत मिलेगी मेरी प्यारी नाइटशेड। मैं दहशत में देख रही थी और उसने एक चाकू अपने गले पे लगाया और साइड में से अपना गला काट दिया। अपने दोनों हाथों से वो अपना गला काटता चला गया जब तक उसके खून का वहां तालाब नहीं बन गया। इस पूरे समय उसकी खून भरी आंखें पीप होल की तरफ देखना बंद नहीं हुई। उसे पता था कि मैं वहां से देख रही थी। मैं बहुत जोर से चिल्लाई जब मैंने देखा उसका खून दरवाजे से नीचे अंदर की तरफ आ रहा है और मुझे अजीब सा लगा जब उसने मेरे पैरों को छुआ। मैंने पुलिस को बुलाया और बताया कि क्या हुआ। डॉनी मेरे ही शहर में रहता था और जैसा मैंने सोचा था मेरे कंप्यूटर से मुझे ट्रेस किया। वैसे तो उसे कंप्यूटर्स में एक्सपर्ट माना जाता था, वो दिमाग से भी हिला हुआ था जो सोचने लगा कि वैम्पायर लड़की जो कंप्यूटर स्क्रीन में रहती है सच में एग्जिस्ट करती है। उस रात के बाद मैंने ऑनलाइन जाना ही बंद कर दिया। मेरे भाई ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरी गलती नहीं थी पर मैंने उसके डोनेशंस लेके उसे किसी तरह का तो बढ़ावा दिया ना, और वो ध्यान वो जो मुझसे चाहता था। मुझे ये सब साइंस बहुत पहले देख लेने चाहिए थे। मैंने अपने मियाँ को नाइटशेड कैरेक्टर को त्याग दिया। ऐसे में डॉनी उसका आखिरी और एकमात्र शिकार होगा।